दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि एक इंसान अपनी मेहनत, लगन और इंसानियत के दम पर कैसे मिसाल बन सकता है? ये कहानी है शांतनु नायडू की, एक ऐसे यंग और पैशनेट एंटरप्रेन्योर की जो न सिर्फ एक शानदार बिजनेसमैन है बल्कि उनके दिल में समाज और जानवरों के प्रति गहरा लगाव है। उनका जीवन एक ऐसा सफर है जो रतन टाटा जैसे महान व्यक्तियों के साथ दोस्ती और प्रेरणा से भरा हुआ है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे शांतनु नायडू ने मुश्किलों का सामना करते हुए अपनी अलग पहचान बनाई और समाज के लिए काम किया। तो चलिए इस प्रेरणादायक सफर की शुरुआत करते हैं, जिसे देखकर आपको भी लगेगा कि हाँ, इस कहानी में वाकई कुछ खास है। शांतनु नायडू का जन्म 1993 में पुणे, महाराष्ट्र के एक तेलुगु भाषी परिवार में हुआ। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा पुणे के ही एक स्कूल से पूरी की और 2010 से 2014 के बीच सावित्री बाई फुले पुणे विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। उन्होंने अपनी डिग्री डिस्टिंक्शन के साथ पूरी की। पढ़ाई के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की और हमेशा अपने परिवार और समाज से जुड़े रहे। शांतनु नायडू का टाटा ग्रुप के साथ संबंध बचपन से ही था। उनके पिता टाटा मोटर्स में इंजीनियर थे और उनके पूर्वज भी टाटा ग्रुप के विभाग में काम कर चुके हैं। उन्होंने मई 2009 में टाटा टेक्नोलॉजीज में अपनी पहली नौकरी शुरू की, जहां एक साल तक इंटर्नशिप किया। फिर 2014 में उन्होंने टाटा एलेक्सी के पुणे शाखा में डिजाइन इंजीनियर के तौर पर काम किया। शांतनु नायडू को स्ट्रीट डॉग्स के प्रति हमेशा से लगाव रहा। उन्होंने 2015 में मोटोपोज नाम की इंस्टीट्यूशन की शुरुआत की, जो रातों में सड़कों पर घूमने वाले कुत्तों के लिए रिफ्लेक्टिव कॉलर बनाती है। ये कॉलर रात के अंधेरे में चमकते हैं ताकि ड्राइवर दूर से देख सकें और कुत्तों को बचा सकें। ये आइडिया उन्हें तब आया जब उन्होंने रात के समय सड़क पर कुत्ते मरते हुए देखे। ये देखकर उनका दिल दुखी हो गया और उन्होंने इस मसले को हल करने की ठानी। शुरुआत में उन्हें रिसोर्सेस की कमी हुई, लेकिन उन्होंने अपने पिता की सलाह पर रतन टाटा को एक चिट्ठी लिखी। 2 माह बाद उन्हें रतन टाटा का जवाब मिला और उन्हें मुलाकात करने के लिए बुलाया गया। ये मुलाकात उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुई। रतन टाटा ने उनके काम को सराहा और उनकी मदद करने का वादा किया। इसी मुलाकात के बाद शांतनु नायडू टाटा ट्रस्ट से भी जुड़ गए। उन्होंने 2016 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के सैमुअल कर्टिस जॉनसन ग्रेजुएट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में MBA की पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया। वहां उन्होंने GMAT पर 760 स्कोर करके सभी को हैरान कर दिया। अपने लीडरशिप और डेडिकेशन के लिए उन्हें काफी पुरस्कार मिले, जैसे कि जॉनसन लीडरशिप केस प्रतियोगिता और हेमेंटर एंटरप्रेन्योरशिप पुरस्कार। शांतनु नायडू ने अपनी मेहनत से कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में अपनी छवि बनाई। वहां उन्होंने द कॉर्नेल मोटरसाइकिल एसोसिएशन की स्थापना की और अपनी MBA की डिग्री के दौरान कई एंटरप्रेन्योरशिप पहलों की शुरुआत की। शांतनु नायडू की लीडरशिप और डिटर्मिनेशन ने उन्हें एक सफल एंटरप्रेन्योर बना दिया, जो अपने जुनून और सामाजिक एंटरप्राइजेस के लिए मशहूर है। शांतनु नायडू ने मोटोपॉज के साथ साथ और भी नए प्रोजेक्ट शुरू किए, जैसे कि ऑन योर स्पार्क्स 2020, जो नए एंटरप्रेन्योर्स को गाइडेंस प्रदान करता है, और द गुड फेलोज 2022, जो सीनियर सिटीजंस को साथी प्रदान करता है, और ये सब उनके समाज सेवा के प्रति समर्पण को दर्शाता है। शांतनु नायडू और रतन टाटा के बीच का रिश्ता एक दोस्ती से बढ़कर है। शांतनु नायडू ने रतन टाटा के साथ काम करते हुए उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैंडल किया और उनके बिजनेस एडवाइजर भी बने। रतन टाटा उन्हें अपना मिलेनियल दोस्त बुलाते हैं और शांतनु नायडू रतन टाटा को प्यार से मिलेनियल डंबलडोर बुलाते हैं। उन्होंने अपने व्यक्तित्व और पेशेवर सफर में रतन टाटा को अपना मेंटोर माना। शांतनु नायडू ने अपने अनुभवों को एक किताब Came Upon a Lighthouse के माध्यम से दुनिया के सामने रखा। ये किताब जनवरी 2021 में पब्लिश्ड हुई, जो उनके और रतन टाटा के बीच की दोस्ती को दर्शाती है। इसके अलावा उन्होंने अपनी प्रेरणादायक कहानी TEDx जैसे प्लेटफॉर्म पर भी शेयर की, जो काफी प्रोत्साहित करने वाली होती है। शांतनु नायडू अविवाहित हैं। शांतनु की जिंदगी में प्यार भी एक खास हिस्सा रहा है।
2015 में उनकी मुलाकात मिहिरा से हुई जब वो मोटोपॉज के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। शांतनु नायडू को पालतू जानवरों से बहुत लगाव है और उन्होंने अपने कुत्ते विंटर के लिए एक टैटू भी बनवाया जो उनके पालतू जानवरों के प्रति दया भाव को दर्शाता है। शांतनु नायडू और रतन टाटा के बीच की दोस्ती काफी गहरी थी। रतन टाटा ने उनके काम को समझा, सराहा और उनकी हर कदम पर मदद की। उन्होंने शांतनु नायडू को सिर्फ एक सलाहकार ही नहीं बल्कि एक दोस्त के रूप में देखा। अक्टूबर 2024 में जब रतन टाटा का निधन हुआ, शांतनु नायडू ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी जिसमें उन्होंने अपने दोस्त के साथ अपने गहरे रिश्तों को याद किया। ये पोस्ट वायरल हो गई और लोगों ने शांतनु नायडू के इस संदेश को काफी पसंद किया। दोस्तों, तो ये थे शांतनु नायडू, जो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक मानवता के प्रति समर्पित व्यक्ति हैं। इनकी कहानी जुनून, मेहनत और समाज सेवा के प्रति उनके कमिटमेंट को दर्शाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।